So, what stream do you want to take? Bolo. Science. Shabash. Hey, what's up guys? Welcome back to the channel, everyone. This is Sahil Veer और ये है मेरा दोस्त AKA roommate अथर्व रंजीत डेले और ये है हमारा नेबर सुमित पाटिल. So guys, आज हम लोग पॉडकास्ट बना रहे हैं. So मैं बहुत दिन से सोच रहा था कुछ अभी इतने चैनल पे व्यूज आ रहे तो अभी कुछ और प्रोडक्टिव करना चाहिए. तो मैं सोचा कि अभी लोगों को बताओ बताना चाहिए कि अपन क्या करते क्या इधर अपन क्या सोचते इधर MBBS क्या है. तो हम लोग वैसे जर्नी अभी हम लोग का वैसे भी एक साल कंप्लीट हो गया. अभी हम लोग केक काट दिया अभी परसों ही 14 को काटे 18 को काटे केक. मतलब एक साल पूरा कंप्लीट हो गया हमारा. तो मैंने उसी से एक आइडिया है कि अभी पॉडकास्ट तो बनना चाहिए इस पे. तो सो ये पॉडकास्ट है जर्नी के बारे में हमारे. तो पहले हम लोग एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी मतलब कि अपन क्या सोचते थे मतलब नीट का जब पेपर देने वाले तब हम लोग क्या सोचते थे ऐसा MBBS कॉलेज ऐसा कि क्या है ये और अभी क्या सोचते थे. एक साल हो गया इधर रह के तो अभी पता चल चुका है क्या है. मतलब इतना हाइप है जो अभी साफ हो गया वो क्लाउडी एकदम क्लियर भी चल गया पता क्या है. तो क्या लगता है फिर तो देखो क्या लगता था जब तू नीट में था कि MBBS में कैसी पढ़ाई होती रही थी. क्या लगता था क्या है बस आखिरी बार पढ़ लो नीट में फिर आगे पढ़ना ही नहीं है. सब बस मतलब वो मोटिवेशन का था कि बस ले रहे इतना पढ़ ले इतना ही पढ़ने फिर आगे जाके आराम ही आराम है. अरे डॉक्टर साहब डॉक्टर बनने चला था पेशेंट बन गया. क्या चल रहा है तेरा आजकल. मेरा तो बस वही तो तेरा एक्सपीरियंस कैसा था फिर डाइसेक्शन का पहले दिन का. पहले दिन सब बोला हैप्पी टाइम दे रहा हूँ तो पहले दिन तो मतलब थोड़ा सा डर था कि ये सब देख रहे हैं फर्स्ट टाइम देखने वाले थे ना. हाँ तो पहले दिन मैंने ख्याल से उन्होंने कवर करके रखा था एक वीक तो बिताए थे. हाँ बस उधर रखे बस स्मेल ही ले रहे थे भाई फॉलोइंग को भाई और जब उससे पर्दे हटे तो थोड़ा डर लग रहा था पास जाने में. फिर बच्चे तो खेलने लग गए थोड़ा सा उसके ना कोई हाथ पकड़ रहा है कोई नाक के साथ खेल रहा है सब काट भाई काट. तेरे टेबल पे कैसा था. मेरे टेबल पे स्टार्टिंग में बहुत झगड़े थे भाई. मैं करूंगा जैसे दिन आगे हुए अगर तो. अरे मैं तो इतना एक्साइटेड था ना पहले जब देख करने के लिए एक्साइटेड था पर ऐसा हाथ तो काफी रहते पहले. पर सबसे पर ऐसा डरावना ही था रे वो पहले जब आया पून और जब निकाल लिया था ना कवर सोलो के ऊपर से वो ब्लैंकेट और तभी ऐसा लग रहा था बाप रे ये काला ओ भाई साहब काला इंसान डेड बॉडी मोर स्पेसिफिक वो ऐसा अकड़े बिगड़े भाई भाई बाप रे प्रतीक जाके फोटो खींच रहा उसके साथ में बोला भाई साहब क्या आदमी मेरा रूम बैठे. अरे भाई रुक रे तू रूममेट्स भी बाद में फैमिली बन जाता है. अभी कितना भी झगड़ा कर लिया रूममेट्स से नहीं जो भी मतलब हॉस्टल में जो मतलब एक अलग फैमिली बन जाती है मेडिकल कॉलेज के बारे में बात करते तो सब लोग जो लोग को पता भी नहीं होगा की चीज होती रैगिंग होती भाई तो तभी क्या लगता था क्या 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 पता थे लोग तेरे को तभी. हमारे ना आकाश में एक सर थे वो बनारस के थे कौन से BHU यूनिवर्सिटी पास आउट थे. BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एकदम फेमस है इंडिया का एकदम टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज में से. वो MBBS पास आउट थे तो वो बताते थे उनके इधर तो एकदम खतरनाक वाली होती थी एकदम से क्लासरूम में आके सीनियर्स मार दिया जाते थे. क्लासरूम में आके सीनियर्स मार दिया जाते थे. पढ़ने लिखने वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए
पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। जा रहा है कोई बीच में मार के जा रहा है, कुछ कोई मतलब आप कुछ कर ही नहीं सकते हैं। हाँ ऐसा था, मतलब उधर फिजिकल नहीं हो रही थी उनके हिसाब से, और उनके हिसाब से तो मतलब कोई भी चीज सही है पर उसके दोनों एक्सट्रीमेंट्स नहीं आने चाहिए कभी। अगर कोई भी एक्सट्रीमेंट जा रहा है तो वो हार्मफुल होती है फिर, ऐसा है। तो इस बारे में इंट्रो हो रहा है अच्छा, मतलब राइटिंग के बारे में मैं तो इतना ही बोलूंगा कि देखो जो हमने सही है राइटिंग सही है नहीं, जो हमारे साथ हुआ है राइटिंग वो काफी लाइट ये था। मुझे नहीं लगता कुछ कुछ अभी अलग अलग रहते हैं, कुछ कुछ सीनियर्स रहते हैं कि वो ज्यादा थोड़े वो हॉट हेडेड रहते हैं, वो ठीक है उतना उनका कुछ बोल नहीं सकते, बट काफी मतलब अभी तो मुझे तो लगता है कि काफी मतलब सुधर गए सभी। एंड काफी मतलब मैं बोलूंगा कि मतलब रैगिंग कहीं ना कहीं हेल्प की है मेरे को कि सीनियर से कनेक्ट होने के, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मुझे तो लगा कि कहीं ना कहीं कि रैगिंग के वजह से मतलब काफी सीनियर से दोस्ती हुई और हेल्प भी मिली उनसे, तो मैं तो बोलूंगा कि ठीक है, मतलब उतना तो रैगिंग देना बनता है। आई डोंट नो बोलना चाहिए कि नहीं, बट बोलता है, इट इंपॉर्टेंट है, वो एग्जिस्ट है, एग्जिस्ट करती है रैगिंग, और उसको डिनाई नहीं कर सकते। अब मेरा सुन, मेरा कैसा था पता है क्या, देख मैं वीडियो तो पहले बनाता था पर तभी तो भाई भी रहता था ना मेरे साथ, भाई रहता था, संगीत रहता था, तो दोस्त लोग रहते, तो अपने दोस्त लोग, अभी तो सब नया, मेरे को इधर वीडियो बनाने का था पर जमेगा कि नहीं, अभी अपने को वैसे डर तो रहता ना, तो फिर और फिर आपने को ऊपर इंट्रो के लिए बुलाया था वैसे, तो मेरे को लगता था कि मेरे को तो बहुत ही डर लगता था। उसको राइडिंग नहीं बोलते, उसको इंट्रो इंट्रो सॉरी इंट्रो बोलते हैं। यस नहीं डिफरेंट है उधर, अच्छी हुई थी राइडिंग। तू बोल रहा था, हाँ तो हम लोग तो बुलाया था मेरे को, ए वो लोग बोले कि जो फुटबॉल खेलते हैं, देखते अपन भी क्या खेलते हैं लोग, गए फिर थर्ड फ्लोर पे गया था मैं, निकलते समय बाहर बैठी थी फौज, तो मैं बोला ओ भाई साहब जो लोग नहीं मिलने चाहिए दूसरे दिन ही मिल गए आज मेरे को, भाई वो भी थर्ड फ्लोर पे, ऐसा सब बैठे लाइन में, बोले मेरे को सर इधर इधर चल एंटरटेन। मैं बोला ओ भाई लग गया मैच में। मैं बोला तो वो लोग सबसे मिला, बोले एकदम अच्छे से पूछे मेरे को क्या कि ऐसा क्या हटके कर सकता तू, क्या करता तू हटके, सर YouTube पे वीडियो बनाता मैं, तो बोलते YouTube पे वीडियो बना यूट्यूबर, आई आई ब्लॉगर ब्लॉगर, ऐसे चिढ़ाने लगे मेरे को, बोला ब्लॉगर ना चल अब ब्लॉगिंग करके दिखाएंगे, ये ब्लॉग बनाए थे मेरे को इतने जन बुलाए थे रूम में, बस क्या ब्लॉग करके दिखा आपको रूम में, बोले ये क्या है भाई तू बाहर से आ। अरे वो अभिषेक सर बुलाए थे मेरे को एक बार, तो बोलते करके दिखा, तो मेरे को पूछे सर की तेरे को क्या लगता है ये सब बोला तेरे को करने में, मतलब सर कितना गलत है, मैं हम लोग को आपका नाम ढूंढने में कितना तकलीफ होता है सर, और पता नहीं थी, और सर वो इंस्टाग्राम में मेरे को तो मिलता भी नहीं कभी, और बाहर वापस मिलते थे बोलते अभी तक तुमने मेरा नाम नहीं ढूंढा और रूम पे आ रहा है सर, बोलते अरे ठीक है क्या बोल सकते हैं। तो सुना तुम लोग पहले अगर ब्लॉक कर, ब्लॉक करके दिखा दे, बोला अरे हाँ ऐसे ऐसे वैसा है बताए उनको मैं उस ब्लॉग में, तो फिर बोलो बोले चल चल ठीक है बोला, तो आगे क्या नाच के दिखाओ अभी, मैं सर गाना तो बिना गाने के नहीं नाच सकता क्या, मैं नाच रहा नाच रहा, फिर बोलते बस 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 गाना गा के दिखा, बोला ये तो भाई ये तो क्या ही चल रहा है सर जी सर, तो मैं गाना गा के भी दिखा बताए एकदम, तो मैं बोला भाई अभी और क्या करने वाले हैं, तो बोले बोले तूने हमें खुश किया अच्छा तू जा, बोला भागो भाई। पर परसों तो सुन ना, पर तेरे को पता है तब भी मेरे को ऐसा लगा कि ऐसा वो ब्रेक हो गया, पता है कि वो डर था मेरे को, आइस ब्रेक, हां आइस ब्रेक नहीं था वो मेरे लिए, समझ गया नहीं भाई अपन ये कर सकते नहीं, इधर मेरे को गाना गाने में पहले बहुत डर लगता था, वो तो चल किचो गाना गाया मैं माय गॉड इंप्रेस नाच के दिखा इंप्रेस भाई, मैं बोला आप कुछ भी कर सकते बस, और फिर तो ये तो एंटरटेनर है भाई ना, तो सबको ही पता है, और फिर मैं बोला आप तो मुझे पता है वो दिन का अगर होता नहीं ना इंट्रो वीडियो बनता ही नहीं था, अच्छा वो ऐसा किक स्टार्ट था, मतलब किक स्टार्ट मेरे लिए कि यहां पे गाना शुरू करना है, ओके मतलब जब आप पहली बार तो फैसिनेटिंग लगेगा आपको,
पर हाँ। वो भी है कि मतलब उन्होंने जस्टिफाई कर दिया, वो बहुत बहुत गलत लगता है मेरे को कि मेडिकल कॉलेज में बहुत सारा स्ट्रेस है उसको स्ट्रेस बस उसको यूज करेंगे, क्या लॉजिक है यार पूरी दुनिया में, क्या तुम अकेली हो क्या इसको इतना सारा स्ट्रेस है, आपने तो अभी आपकी पूरी दुनिया देखनी बाकी है, अभी अभी तो बस स्टूडेंट है फर्स्ट ईयर में, इतना स्ट्रेस आने लग गया आपको कि आपको उन सब चीजों का सहारा लेना पड़ता है। तो बहुत एक तो ठीक है आपको पसंद है तो एटलीस्ट ये रीजन देखे तो मत जस्टिफाई करो ना उसको कि स्ट्रेस की वजह से मैं ले रहा हूँ, ये तो पूरा गलत है। ठीक है आपको पसंद है वो एक अलग रीजन, तो ये अलग ही रीजन है, मतलब वो बहुत इम्पैक्ट डालता है छोटे बच्चों पे जो जूनियर सारे उन पे कि यार बहुत स्ट्रेस है, तो स्ट्रेस है तो ये है ही, ये बहुत गलत है, जो भी करना है जरा कॉन्शियसली करो, एकदम फ्लो फ्लो में करने जाओगे तो एट द एंड सेल्फ डिस्ट्रक्शन तो है, फ्लो फ्लो में नहीं करना, पीयर प्रेशर तो होने नहीं चाहिए भाई, वो बोल रहे वो मेरे दोस्त लोग बैठे हैं तो कूल है वैसा करना ही चाहिए, करना ही चाहिए, ठीक है देखते हैं। और तुम्हारा ग्रुप तो बहुत ही मैटर करता है इस चीज को, सबसे मेन यही चाहिए तुम किसके साथ रहते हो, जैसे तेरे दोस्त पार्टी करने वाले तो 2 साल के बाद तू पार्टी करने वाला, तेरे दोस्त अभी पढ़ाई कर रहे हैं तो 2 साल के बाद तू भी अच्छी पढ़ाई करेगा, वैसा है तू मतलब कंपनी मैटर्स अ लॉट, तू जिनके साथ है वही बनने वाला है, यू नो सो दैट इट इज गाइस, कि अभी हम लोग देख लिया कि ये था हमारा एक्सपीरियंस फर्स्ट ईयर का अभी तक का, अब आगे का देखते हैं और बताते रहेंगे हम लोग। तो मैं सोच रहा हूँ वैसे भी पॉडकास्ट डालू और मंथ में 2 बार तो ट्राई तो कर सकते हैं, देखते हैं दोस्तों क्या बोलते हैं, सो लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज।